नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे आसाम की वहाँ के टी वर्कर्स की वहाँ के आदिवासी समाज की और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आ, आसाम टी वर्कर्स यूनियन के एक जॉइंट एक्शन कमेटी से विवेक दास जी और वहाँ आदिवासी स्टूडेंट्स की एक यूनियन से हमारे साथ जुड़े हैं स्टीफन लाकरा जी न्यूज़ क्लिक में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत तो पहला सवाल सर मैं विवेक जी आपसे करूँगी कि आसाम के जो टी वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं क्या उनकी मेन मुद्दे क्या हैं क्या परेशानियां हैं उनकी वो जिनसे जूझते हैं वो असम में टी वर्कर्स का जो मेन प्रॉब्लम है तो अभी जो इसका मिनिमम वेज सबसे बेसिक नीड है तो आज सालों से आसाम की टी गार्डन वर्कर्स का जो मिनिमम वेज से वो डिप्राइव कर रहा है तो बात है तो कि ये जो प्रोसेस था पहले कम से कम आफ्टर इंडिपेंडेंस अप टू थाउजेंड फिफ्टीन तो इलीगली वो फिक्स हो रहा है जैसे कि नाइनटीन फोर्टी एट मिनिमम वेज एक्ट है जी। तो मिनिमम वेज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट के हिसाब से जिस प्रोसेस से वर्कर्स का मिनिमम वेज फिक्स करना ज़रूरी है तो इस हिसाब से नहीं करना है कर रहा है ये सब एग्रीमेंट होता है बायोलिट्रल एग्रीमेंट जो कि नाइनटीन फोर्टी एट एक्ट में वो तो प्रोहिबिटेड है ये बोला है कि जिसका बार्गेनिंग कैपेसिटी है ही नहीं तो इसके लिए तो मिनिमम वेज गवर्नमेंट के तरफ से फिक्स करना है इसीलिए तो प्रोटेक्शन है नाइनटीन फोर्टी एट मिनिमम वेज एक्ट वो सेंट्रल एक्ट है लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये चालू भरो में ऐसे कि कांग्रेस का एक यूनियन था जो ए सी एम एस बोलता है असम शाह संघ उसके साथ जो आ, ओनर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है सी सी पी ए हाँ और के साथ उनके साथ इसके बायोलिटल एग्रीमेंट होता है और बायोलिटल एग्रीमेंट में जो जो लीगल जो नॉर्म्स होता है जैसे कि एक््रेड फार्मूला डॉक्टर एक्रेड फार्मूला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत जजमेंट है मिनिमम वेज के ऊपर इस, इस, इस सब को उसको उल्लंघन वायलेट किया गया है और बायोलिटल एग्रीमेंट किया गया है एक तो बात यह है इसलिए अभी सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो है वेज मिनिमम वेज अभी मिनिमम वेज असम के जो वर्कर्स है ट्यूब वर्कर्स है इसको मिनिमम वेज नहीं दिया गया है mm -hmm. अभी बीजेपी गवर्नमेंट आया और बीजेपी गवर्नमेंट बिफोर कमिंग इनटू पावर इन 2014 के इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी का मोदी जी भी सब लोग लीडर असम में गया था और इसमें बोला था कि असम में जो ट्यूब वर्कर्स का वेज की इशू बेसिक इशू है इसको हम एड्रेस करेंगे और एक बात यह है आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट अभी ऑल इंडिया में केरला में तमिलनाडु में कर्नाटक में जैसा वर्कर्स का वेज है असम mm -hmm. में ऐसा नहीं इस में है दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म केरला में थ्री हंड्रेड प्लस है कर्नाटक और बंगलूर में टू हंड्रेड फिफ्टी प्लस और mm असम -hmm. में वन वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस बेसिकली बहुत डिफरेंस है तो इसलिए ये भी एक मुद्दा था कि यूनिफॉर्म होगा असम केरल तमिलनाडु इसके साथ जो है उसके और और बीजेपी के लीडर उसमें उस में एक्शोरेंस भी दिया था कि हम लोग अगर पावर में आएंगे तो हम ये मैंने ऑल इंडिया के, के हिसाब से हम आप लोग को जी जी यूनिफॉर्मिटी हम लाएंगे आ, ये तो आपने मिनिमम वेज के बारे में बताया तो जो टी वर्कर्स हैं उनके थोड़ा जो एक पूरा काम का जो तरीका है कितने लंबी शिफ्ट होती है क्या काम करते हैं पूरे दिन में वो और उसमें उनको क्या परेशानियाँ आती हैं उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं तो ऐसे तो बहुत परेशानी तो है लेकिन हम लोग तो अभी जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया है, गया है सिर्फ वो इन वेस्ट के सुपर अभी इसमें तो ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है ऑल जितना एक्ट है ऑल एक्ट वायोलेशन हो रहा है ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है अभी इसमें अब देखिए टी गार्डन में जो ऐसा मेडावल एज में जैसे आदमी रहते हैं टी गार्डन क्वार्टर है टी गार्डन बागान में है उसका ऐसे ही हालत है बहुत ख़राब है अभी कोई इसमें स्वच्छ भारत का बात बोल रहा है इसमें तो आ, 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 आप गार्डन में जाएंगे तो क्वार्टर में है जैसे कि अब लेट्रीन का देखिए ड्रिंकिंग वाटर देखिए हेल्थ देखिए इसमें कुछ भी कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है अगर वर्कर्स का कुछ बड़ा बीमार हो जाएगा तो उसका एक ही रास्ता है वो तो मिड डेट जैसे कोई कुछ नहीं है तो जितना हेल्थ के लिए जो जितना एक्ट है इसमें वायलेशन हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है वो भी वायलेशन हो रहा है और अभी कुछ दिन पहले था कि जब बागान के मजदूर इसमें लड़ाई करेंगे तो अभी कम से कम असम के गार्डन में एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव वर्कर्स फायरिंग से मरा है लेकिन एक दो साल का बात नहीं जस्ट लास्ट इन फिफ्टीन ईयर्स कम से कम ट्वेंटी फाइव वर्कर्स को पुलिस के फायरिंग से हो तो ऐसा बात हो रहा है इसलिए अभी और जो शिफ्टिंग का बात हो रहा है शिफ्टिंग का तो बात यह है कि टी गार्डन में जो वर्कर्स के बेसिकली जो वोमेन वर्कर्स है फिफ्टी परसेंट

Okay, first of all, I convey my revolutionary greetings, Johar. Uh, the Adivasis of Assam, they are the most marginalized community. They have been deprived from all kinds of rights. And major population of the Adivasis are in the tea garden. And as Vivek uh, Das has said, that there is no sanitation facilities no water safe drinking water facilities there is no proper housing system no drainage system and uh, assam is a place where there is every year heavy rainfall so since there is no uh, proper drainage system no uh, good housing facilities always uh, there is a uh, outbreak of uh, kind of uh, diseases so large number of people die every year in the tea garden areas and uh, uh, there are other issues also in the tea garden. Education is one of the major issues because only you will find that there is a kind of school. It is run by single teacher and huge students. And this single teacher cannot handle, handle the huge students. And the schools are only up to class 4. So up the students go up to class 4. after that, there is no school in the tea garden areas. either they have they have to go to uh, other areas for uh, their um, middle school or high school. but since there is no I mean proper foundation, there is a huge dropout. so they can't see the middle school. they can't see the high school. though they have the intention to read and write, they have that uh, um, eagerness for education. but there is no basic facilities. Only. LP school, lower primary school, run by single teacher. So it's a, I mean, uh, it's a politics. It's a politics because the company, uh, the corporate, they want the children of the adivasis, the children of the tea workers, to be always the board bank and always uh, the workers. If they get good education, if they get higher education, they won't go for work. So it's a. Uh, uh, polit uh, political hidden, um, hidden. So these people are always, uh, I mean, uh, deprived and their voice is not heard, and uh, they are kept as if they are still in the uh, British period because the modern facilities it has not reached in the tea garden. And speaking of the Adivasis in general, like Adivasis in India elsewhere, apart from Assam. All they are recognized as Scheduled Tribe, but in Assam, even they are not recognized as tribe. Though they are the original tribes of India, they are not recognized as tribals in Assam. So they are only uh, the facilities they get is minimum facilities that has been declared by Assam government under the TNXT, uh, TNXT Guardian Welfare Activities. So this is the situation in. ऑफ़ द विवेक जी तो ये जो टी वर्कर्स का जो स्ट्रगल है जिसके बारे में हम एक्चुअली न्यूज़पेपर्स में कभी कभी आता है लेकिन आप इस स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा बताएं वो कब से चल रहा है और कब से जो टी वर्कर्स हैं अपनी जो मांगों को लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं फिफ्टीन साल से पहले से यह मूवमेंट शुरू हुआ था लेकिन ये मूवमेंट को बहुत जोर से सप्रेस किया गया है एक तो सरपेशन है फायरिंग है डिश्वा सरपेशन है मर्डर भी है देखिए जैसे कि हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है असम संग्रामी असमिक संघ उसका जो जनरल सेक्रेटरी था गंगाराम कोल ही वाज मर्डर्ड एक्चुअली वो स्कूल का टीचर था वो वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया था वो बागान में टी गार्डन के वर्कर्स के राइट के बारे में वो वर्कर्स वो कंसर्स किया था उसको ऑर्गेनाइज किया था यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हो गया था तो उसके बाद उसको मर्डर किया गया है ये क्लियर कट पॉलिटिकल मर्डर लेकिन आज तक तो, अभी भी वो बहुत सारा आंदोलन हुआ है लेकिन उसका सी बी आई सी बी आई इंक्वायरी भी हुआ है लेकिन अभी तो, अभी तक तो कोई रिपोर्ट उनका कोई नहीं हुआ है ऐसा बात है एक ही एक ही इंसिडेंट देखिए बाकी तो सब वर्कर्स लोग को मूवमेंट में जाना पड़ेगा फर्स्ट तो उन का सप्रेशन कैसे है कोई अगर डिमांड रेस करेंगे तो उसको डिसमिस किया जाएगा फर्स्ट अगर उससे भी उसको रुका नहीं जाएगा तो उसके ऊपर पुलिस को लाठी गोली चलाया जाएगा और उसके 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 भी नहीं होगा तो मर्डर किया जाएगा सिक्रेट तो किलिंग ये ये तो एक बागान में है कंडीशन एक सप्रेशन है फिर भी अभी असम में मोमेंट जोरदार हो रहा है हम लोग एट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम बेसिकली मजूरी इशू एट ऑर्गेनाइजेशन को लेके हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर टी वर्कर्स वेज हमने फॉर्म किया है जिसमें एट सोशल ऑर्गेनाइजन भी है ट्रेड यूनियन भी है आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन है आदिवासी वोमेन एसोसिएशन है और ट्रेड यूनियन है ट्रेड यूनियन ऑल मै एफिलेटेड टू सी टू एफिलेटेड टू एट सी सी टी एफिलेटेड टू न्यू ट्रेड इनिशियेटिव लेफ्टूनियन बेसिकली देर आर थ्रे थ्री लेफ्ट यूनियंस इन दिस प्लेटफॉर्म जॉइंट प्लेटफॉर्म तो हम लोग जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया है और ये जॉइंट प्लेटफॉर्म अगस्त से बनाया है तो टू तो हम मोमेंट स्टार्ट हुआ था नवंबर से नवंबर से हम लोग स्टार्ट लो किया है मोमेंट इसमें हम लोग रोड पद बंद किया है पद बंद किया है सेशन किया है और लास्ट 20 अगस्त जो है सबसे बड़ा मोमेंट हम लोग है ट्वेंटी अगस्त को हम लोग जनरल स्ट्राइक कॉल किया था असम में गार्डन में तो असम में टेन लाख मोर देन टेन लाख वर्कर्स सर तो इसमें सिक्स लाख वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन दैट स्ट्राइक एंड मोर देन सिक्स हंड्रेड टी स्टेट्स वो आर्स क्लोज थे वो क्लोज बन मतलब इसमें बंद था पूरा स्ट्राइक के दौरान इसलिए ये एक हिस्टोरिक था एक हिसाब से क्योंकि इस स्ट्राइक को मैनेजमेंट फेल करने के लिए बहुत कोशिश किया है पूरा पूरी मैनेजमेंट और उसका जो एस एस है यूनियन है तो कोशिश किया है बीजेपी गवर्नमेंट भी कोशिश किया है बंद करने के लिए लेकिन ये स्ट्राइक बहुत सक्सेस हुआ था तो इसीलिए अभी वो मिनिमम वेज के जो मूवमेंट है ये मोमेंट थोड़ा अभी स्ट्रंगल हो जा रहा है और 20 तारीख जो स्ट्राइक हुआ 20 अगस्त 20 अगस्त को जो स्ट्राइक हुआ है तो अभी अभी उसके बाद गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एक मैंने वो भी एक डिक्लेयर किया है डिक्लेयर मतलब सिर्फ मैंने प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं एक डिक्लेरेशन किया है कि गवर्नमेंट के हिसाब से एक थ्री फिफ्टी वन पॉइंट थ्री थ्री पर डे ये एक कैलकुलेसन किया गया है इस कैलकुलेशन को वेज एडवेसरी बोर्ड में प्लेस किया गया है इसे बोल के वो आफ्टर स्ट्राइक आफ्टर स्ट्राइक वो इसे ऐसे एक डिक्लेरेशन आया है और हम लोग ने अभी डिसीजन लिया है कि फेबुअरी फेब्रुरी में हम लोग का एक मोबिलाइजेशन होगा गुवाहाटी में उसके बाद हम तीन दिन का स्ट्राइक भी है प्रोग्राम और इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी है टी कंपनी के अगेंस्ट टी कंपनी इसमें हम प्रोग्राम है अभी स्टीफन कुड यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट स्टूडेंट्स एज यू सेड दैट यू आर फ्रॉम द आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन कुड यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट आदिवासी स्टूडेंट्स इन असम व्हाट आर देयर मेजर प्रॉब्लम्स द आदिवासी स्टूडेंट्स इन असम आज आई सेड Most of the Adivasi population, they reside in the tea garden. And the issues in the tea garden and the scenario in the tea gardens, that compels, compels them. It compels the situation of the Adivasis in such a situation that even they decide they cannot go for higher studies. Because in the foundation period itself, their intention their eagerness that has been crushed and as i said it's a political game because politically it is designed that adivasis they may not rise adivasis may not get educated so that they remain forever as tea garden workers this is the situation and one situation i'll tell you there are in a school in a primary school there could be some more than 100, 200, 300 up to st students, but you'll find only single teacher. That too, this teacher will only work for few hours, few hours, one hour or two hour or three hour or four hours. Other time, he will do the work of other company works. So partially he is a teacher, partially he is also a company worker. So this is the situation of uh, tea garden schools, schools. And uh, generally, uh, the Adivasi remain uh, this way. The other thing, how it is affected, I would like to share that when they get minimum wage, as Vivek Dha has said, minimum wage of the tea garden last three years was only 115 rupees during last three years. Recently, uh, it was 137, and 2018 from January first. It should have been increased. But instead of increasing from January, last July, they have increased only uh, 30 rupees. That too, illegally. They said uh, they, they use the word as interim. So it's totally illegal. That too, they are giving from uh, April 1st. So we question it like January, February, March this three months' money, where it has gone. Whether BGP has used it for their party fund, or are they using it for this panchayat election, or are they using this fund for the upcoming uh, MP election? So when the workers get very minimum wage, what would they do with that? They do with this minimum wage, uh, the, whether to survive, whether to spend for some their minimum uh, needs whether to spend for some savings or what would do with this money so hardly they can save it for education because it needs this minimum uh, at, at today's date at today's date it is 167 to certain areas pramaputra valley and in the barak valley it, it is even lesser and uh, assam tea corporation which is a Public tea garden even it is this wage is lesser than 167. So with this minimum wage, they cannot send their children for higher education even uh, to colleges. So we cannot expect the Adivasis or tea garden children to get um, government job because unless they are educated, they cannot get government job. If they can't get gov government job, they are compelled to stay in the colony type and that colony i think maybe when british had brought them i suppose they were better off but today they are just like semi human beings why i say semi human beings because in the tea garden you cannot see good road that is approaching to their lines where they where they reside you will see the water logging everywhere no sanitation at all no safe drinking water uh, no uh, school, so this is the situation of the uh, tea garden and um, the Adivasis. As I said, and I repeat, their main issue was to get scheduled, and they are not recognized as scheduled tribe. So when they are not uh, recognized, these tribes, Adivasi tribes, they don't get any extra facilities, or there is no any uh, schemes or programs of the government to bring them to mainstream. These 15 years when Congress government was there, there was no such any kind of initiative to bring them to uh, uh, mainstream. Now, BGP, BGP is worse than the con Congress because they spoke so many good things. They gave so many uh, uh, dreams that if they come to power, they will increase the wage of the tea garden, they will uh, 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 make Adivasis a scheduled tribe. But where? There, Words are only uh, kept in the election basin. It is never implemented practically. so uh, through your medium, through this medium, I urge BGP government to increase the wage of the tea garden immediately, recognize as tribals and give them all the facilities, including the land rights, because till that time they are working in the tea garden, they can stay in the tea garden housing. Once they are retired, they are thrown out of the tea garden. So, where would, would they go? They don't have any kind of land rights. So, through your uh, media, I urge that government of Assam, this BGP government, 15 years Congress cheated, again this BGP is cheating. So, let this BJP government keep their promise recognize adivasis as tribals give them education give them better wage give them better housing and above all give them land rights thank you vivekji and stephen for joining us in newsclick thank you for watching newsclick